सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आप सभी का एक और नए व्लॉग में स्वागत है। गाइज, अभी अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और गाइज अभी अभी हमने कर लिया है अपना व्लॉग स्टार्ट। और गाइज सभी अपने काम पर चले गए हैं, और मैंने नाश्ता बना दिया है। नाश्ता कर सभी चले गए हैं। और गाइज मम्मी क्या कर रही है? मम्मी अपना काम कर रही है, दीदी भी अपना काम कर रही है। और आज का दिन संडे का दिन है गाइज, संडे है आज। और हम अभी जो है रेडी हो चुके हैं नहाकर। और गाइज आप सभी को मेरी प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आप भी नहा धोकर रेडी हो जाइए। गाइज चिंकू अभी सो रहा है, चिंकू अभी उठा नहीं है क्योंकि आज संडे का दिन है। वो बोलता है कि मुझको लेट उठाया करो, तो अभी हम उसको देखेंगे जाकर। और गाइज अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया, बस चाय बनाई है। और अभी जाकर खाना बनाएंगे, और जो जंगल से आते हैं उनके लिए भी तो बनाना है, खाना बनाकर और रेडी करना है। सभी अपना काम कर रहे हैं। और गाइज अभी हम जाकर चिंकू को देखते हैं, चिंकू अभी तक उठा क्यों नहीं। गाइज चलिए, हम पता है आपको हम किस वक्त टाइम उठते हैं? हम उठते हैं पूरे 6 बजे, हम जो है उठ जाते हैं, हम पूरे 6 बजे उठ जाते हैं और अपना काम करते हैं। बहुत सारा काम होता है ना सुबह सुबह, तो सुबह सुबह अपना काम करते हैं, फिर चाय नाश्ता ये सब करते हैं, और फिर सभी अपने काम पर चले जाते हैं। यहाँ फिर मुझे भी बहुत सारा काम होता है, इतने सारे समय को झाड़ू लगाना होता है और बहुत ही कुछ काम है। और गाइज अभी मुझे अब भी बहुत सारा काम है। तो गाइज चलिए, गाइज करते हैं व्लॉग शुरू, और आपको दिखाते हैं चिंकू क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही है, और हमारी दीदी क्या कर रही है। चलिए गाइज देखते हैं चिंकू अभी तक सोकर क्यों नहीं उठा है। आज संडे का दिन है, पूरे दिन सोएगा के चिंकू? चिंकू चिंकू, अरे संडे का दिन है, आज पूरे दिन सोएगा के? उठ जा, चल देखो देखो। बुखार हो रहा गाइज आज तो चिंकू का, बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो जब इतना नहीं उठा नहीं है, बहुत पहले उठ जाया चिंकू। अभी चल तो सो ही जाएगा पूरे दिन, गरम हो रहा बहुत। बैठ जा, अब चल अब जा चाय बना लूँ मैं, जब तुझे दवाई दूंगी। और अब जा डॉक्टर को फोन कर दे, आ जाओ डॉक्टर को दवाई देना है ना। तुम्हारा मैं भी हो रहा गाइज, अभी आग जल कर रेडी है। मेरी दीदी ने जो है आग भी जला कर रेडी कर दी है, वो दूसरा काम कर रही है। तो मैंने सोचा मैं आज उनकी रेसिपी नहीं बना देती हूँ। और गाइज मेरी मम्मी अभी भैंस नुहा रही है, यहाँ पर देखती हूँ क्या बना रही है आज मेरी दीदी। वो छोले बना रही है। तो गाइज अभी मैं रखती हूँ उसके ऊपर कढ़ाई, मेरी रेसिपी है आज की। मैंने कढ़ाई रख दी, आग अच्छी जल रही है गाइज। इतना मेरी दीदी की अपना दूसरा काम करा, तो इसलिए मैं अपनी दीदी का काम निपटा देती हूँ। तो कुछ वो करेगी, कुछ मैं करूँगी, मैं भी तो ठल्ली रहूँ। आज का दिन तो संडे है, कुछ काम भी नहीं है, घर ही रहना है और सारा काम कर देना है। तो थोड़ा दीदी करेगी, थोड़ा मम्मी करेगी, थोड़ा मैं, 2 मिनट में काम ख़त्म। बस अभी क्या करना, बस अभी खाना बनाना। तो दीदी की रेसिपी भी मैं तैयार कर दूँगी, देखना आज मैं कैसी रेसिपी तैयार करूँ। और गाइस अभी मैंने इसमें तेल डाल दिया, चिंकू उठ कर आ चुका है। बस चिंकू को थोड़ा चक्कर भी आ रहा। अभी मैं इसमें जीरा डाल दूँ? अभी मैं इसमें जीरा डाल दिया, तेल हो गया हल्का सा, वो डाल दे इसमें मसाला रला ले से पहले।
मिक्सी में को तैयार करोगा? कितना पतला पतला, कितना बारीक बारीक पतला? बस ऐसे करके यही उठा के से उसे तो हो जान दे पहले। अभी हो जाऊंगा जब इसमें मसाला छोड़ दूंगी तेरे, तो हम लोग भी खा कर देखना गाइस, एकदम मजे वाले बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हो गया और गिर, बस देख वो जल्दी सी उस पे गाइस। फिर गाइस मसाला भुन चुका है, लकड़ी भी तोड़ दी, लकड़ी इसमें डाल, मैं अभी इसमें चले थोड़े डाल देती हूँ, मजे करो मुक्त कर दो। नमक साबुत है या रूइन में? नहीं किसा वाला नमक को गिरा, हल्का सा और गिर दो। कलर भी अच्छा आ गया गाइस इनका। आज लगा ले, आज आप कहने को ही बुला ले। मैं सबका लगेगा क्या? आज भेजी थी नंगला, मुझे थी नंगला आ जाओ, मगर ये नंगला नहीं, मोटी के यहीं आ जा। आंटी सबका लगेगा? हाँ पूछता कि इसकी सेकंड डोज नहीं लगी, और सेकंड लगा लो, अरे तो घर तो लगी लग रही। मेरा तो लग रही है। और मैं तीसरी लगा ले, जिसका तो दूसरी लगेगी कड़ी माता। मैं तो स्कूल में लग ली थी। मेरी आंटी जी आ गई है और कोरोना के टीके लगेंगे, दूसरी डोज भी लगेगी, तीसरी डोज भी लगेगी। आप भी लगवा लो, लगवाओ। वो दीदी ने पूरा वो कर रखा, चने हर महीने चने देते हैं और राशन में, और जब तो ये दीदी ने पूरी, हाँ दीदी ने पूरी रात वो कर रखे थे, जब तो ये इतने मोटे मोटे हो रहे। मोदी जी ने मोदी को रखी है एकदम, अभी बन जाएंगे, आप भी देखना कितने अच्छे हो जाएंगे। अभी तिरंगा अभियान चल रहा है तो सबके छत पे तिरंगे तिरंगे पाओगे, और गाइस सब मोदी जी ने इतना अच्छा कर रखा, सारे में कुछ हर घर की छत पे देखोगे ना तो तिरंगे तिरंगे पाओगे। हमने भी लगा रखा सारी जगह, वहाँ भी दीजिए हो गया आपकी सारी जगह, तो हम दिखाएंगे हम आपको। हमने अपनी छत पे भी लगा रखा तो हाँ, जब रात यही लौट रहा था बाहर, जब तो सिंगू का बुखार चढ़ गया। गाइस सूंग अच्छी आ रही है इनमें से, है मतलब कंचे लग रहे हैं सोना कंचे रखा। सुगर हो गया हमारे चने से, गया रेडी हो चुके हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है, हर बार राशन में चने की थैली है वैसा वगैरह सामान देते हैं। और गाइस मोदी जी ने तिरंगा अभियान चला रखा है और सभी की छतों पर तिरंगा पाएगा, और हर हर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान चला रखा है, और सबकी छतों पर तिरंगा लहर रहा है। चिंकू ने 8 दिनों से मेहनत कर रहा है तिरंगा बनाने में, हमने बहुत अच्छा तिरंगा बनाया है और वो भी दरा दरा लहर रहा, बहुत अच्छा लग रहा। कलर उनने अपने आप ही भरा, सब काम उनने अपने आप ही करा, इतना दिमाग लगाया हमने तिरंगा बनाने में, बहुत गत्ते की कटिंग करके बनाया, गत्ते की कटिंग बस हो गई तो छोड़ देना अब जा। अच्छे लग रहे हैं तो कंचे कटर कटर देखे गाइस, चिंकू ने कितना अच्छा तिरंगा बनाया है, अपना दिमाग लगा कर कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भी गत्ते बना रखे हैं इसने और कलर भर रखा देखिए, और लहर रहा है यहाँ पे, मोती भी चिपका दिया इनने कहाँ से लाया बताने, और यहाँ पर बांध भी दिया है, इतना सुंदर कलर भर रखा, अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। और छत पर भी चिंकू ने तिरंगा लहरा रखा है, तिरंगा छत पर रहेगा। मेरे भाई चिंकू ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा तिरंगा बनाया है, और आज बेचारे को बुखार चढ़ गया। कल 15 अगस्त है ना, और कल गाइस हमारे यहाँ पर तिरंगा बांटने वाले आ रहे थे, हर घर तिरंगा लहरा लो। और गाइस अभी हम आपको अपने छत पर दिखाते हैं जाकर कि सबके छतों पर तिरंगे लहर रहे हैं और हवा भी चल रही है तो तिरंगे बिल्कुल सीधे हैं। वीडियो को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मेरे भाई ने इतना अच्छा तिरंगा जो बनाया है प्यारा लग रहा है। ले चिंकू भाई अभी चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको।
गाइस देखिए सबकी छतों पर तिरंगा लगा है, वहाँ पर भी तिरंगा लगाने लग रही है। गाइस मोदी जी और योगी जी आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे देश को इतना सुंदर बनाने के लिए, इतना अच्छा बनाने के लिए। सबकी छतों पर इतना सुंदर लग रहा है, लगा ये लगाया था चिंतु ने, अच्छा लग रहा है ना, लहरा भी दिखा भी वहां पे भी लगाने लग रही। मुझे क्या ऐसी चल रही है, इन्होंने चार लगा दिए, चार नहीं तीन, तीन नया चार है ये, यहाँ सी का छत पे चार नहीं दिख रहे। थैंक यू मोदी जी और योगी जी हमारे देश को इतना स्वर्ग सुंदर बनाने के लिए, देखिए कितने सुंदर लग रहे कितना सुंदर लग रहा। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस कमेंट में जरूर जय हिंद जरूर लिखना, चिंकू की मेहनत रंग लाइक कितना सुंदर लग रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।